ये देखिए, आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ये अरेका पाम। अरेका पाम बहुत ही अच्छा एक एयर प्योरीफाई प्लांट है जो हम सभी को अपने इंडोर रखना चाहिए। इंडोर आउटडोर दोनों ही अच्छे से चलता है। बस इसे बहुत तेज कड़कती धूप में नहीं रखना है। धूप में रखने से इसकी जो टिप्स होती है ये देखिए येलो हो जाती है। ये मैंने 4-5 दिन पहले लिया था, तो आज मैं इसको जो है इस वाले पॉट में लगाने जा रही हूँ। ये मेरा 12 इंच का पॉट है और इसे मैं इंडोर रखूंगी, इसलिए मैं इसे आज लगा रही हूँ। ताकि ये 3 जगह में और अच्छे से बाहर रहे और अच्छे से ये सेट हो जाए और मैं इसे इंडोर रख सकूँ। चलिए देखते हैं हमने क्या क्या लिया है इसमें है। ये मैंने कुछ ईंटों के टुकड़े डाल दिए हैं जो कि बहुत अच्छा पानी को, उसकी मॉइस्चर को बनाए रखता है। ईंट के टुकड़े या फिर पलाइट आप यूज कर सकते हैं। और इसमें है कंपोस्ट और कुछ है ये अंडे के छिलके। ये सब हम घर में कंपोस्ट तैयार करते हैं। या फिर डीकम्पोज नहीं हुआ है तो हम इसमें मिक्स कर रखी है। हमने नीम खली मिलाई है हमने इसमें, नीम खली कंपोस्ट। जैसे कि नीम खली आप जब भी लें तो कम से कम उसे 10 से 20% लें। और जो भी कंपोस्ट आप यूज करते हैं, होममेड कंपोस्ट जो किचन कंपोस्ट होती है, किचन वेस्ट, ये देखिए इसमें हमने डाली हुई है। इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी कुछ पत्ते वगैरह अभी भी हैं। और साथ में है इसमें गार्डन सॉइल और कुछ ही इस तरह की ईंट के टुकड़े जो है मैं पलाइट की तरह यूज करती हूँ। पलाइट हर जगह पे नहीं अवेलेबल होता है, तो ईंट के टुकड़े इस तरह से होल है। इसमें 2 होल है, इसमें एक होल यहाँ पे बनाया है, एक होल यहाँ पे बनाया हुआ है हमने। और इसमें मैं रखूंगी कुछ ठीकरी जिससे कि ये पानी जो है वो सारा ड्रेन ना हो जाए। और साथ ही मैंने कुछ ईंट के टुकड़े रख दिए हैं क्योंकि प्लास्टिक का है, इसलिए प्लास्टिक में जो है पौधा ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता है अगर हम कुछ मिस्टेक करते हैं तो। अदरवाइज अच्छे से चलते हैं प्लांट्स। उस साथ में ये पुराने पुराने इसी की कटिंग की हुई है, नीचे मैं इसे फेंकूंगी नहीं, इसके साथ ही डाल दूंगी। साथ में जो सही से कंपोस्ट, डीकंपोस्ट नहीं हुआ है कुछ भी मटेरियल इसका, इसको नीचे से डाल देंगे। और ये देखिए ये गार्डन सॉइल वगैरह कितने अच्छे से सारी तैयार है। ये कुछ नई सॉइल है जो मैंने इसमें मिक्स की है, क्योंकि ये वाली जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है ये मैंने अच्छे से धूप में सुखा ली थी और तब जाके मैं इसमें यूज कर रही हूँ। पुराने ही पॉट में से निकाली हुई ये मैं नई लेकर आई हूँ। ये देखिए दोनों में फर्क देखिए, इन्हें मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी क्योंकि कंपोस्ट अच्छे से मिक्स होना चाहिए। साथ में हम इस पॉट को जो है वो यहां तक भर लेंगे, कम से कम इतना। ये देखिए हमने ये इस तरह से इतना भर लिया है, आधे से थोड़ा ठीक ही है लगभग लगभग। इसे हल्का दबा लेंगे जब हम मट्टी भरते हैं तो इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे क्योंकि मट्टी नीचे बहती है थोड़ी सी। और इस जो अरेका पाम है इसमें एक खासियत होती है कि हमें इसके लिए चिकनी मिट्टी चाहिए होती है। तो चिकनी मिट्टी हमें कितनी चाहिए ये दिखाते हैं हम आपको। ये जो इसके साथ ही ये पॉलीबैग में आया तो ये थोड़ी बहुत चिकनी मिट्टी है, बहुत ज्यादा चिकनी मिट्टी नहीं है बट फिर भी है चिकनी। लीजिए ये हमने प्लांट को जो है ये जो नर्सरी से आया था ये पॉलीबैग से हटा लिया है। और देखिए ये नीचे से कितनी अच्छी इसकी रूट्स हैं, काफी बड़ी बड़ी रूट्स हैं। तो इस तरह के पौधे जब भी हम लें तो उसकी रूट्स पहले देख लें। ये देखिए इसके स्टेम भी कितनी अच्छी है, काफी हेल्थी सा प्लांट है ये। तो ये जो इसका रूट बॉल है हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ना ही इसकी ये जो मदर सॉइल है उसे हटाएंगे, क्योंकि मदर सॉइल जो है वो पौधे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है हर तरह से। जैसे कि हम अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते, तो ये इसकी मदर सॉइल है, वो भी इस ये जो प्लांट है ये अपनी मदर सॉइल के बिना नहीं रह पाएगा, नहीं सर्वाइव करेगा। जब भी हम नर्सरी से लाए तो थोड़ी सी उसकी मदर सॉइल जो है उस प्लांट में रहने दे। तो मैं इसकी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। जैसे ये है एज इट इज इसे इस पॉट में ट्रांसफर कर दूंगी। ये देखिए इसकी रूट्स कितनी अच्छी है, एकदम बढ़िया पौधा मिल गया है मुझे और वो भी बहुत अच्छे है, रिजनेबल प्राइस में मिला है ये मुझे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे रख दिया है, इस तरह से सीधा करके बिल्कुल फिट बैठा है ये। इसमें हम थोड़े से सॉइल और डाल देंगे, कंप्लीट करेंगे इसे। ये मैं टेरेस पे कर रही हूँ तो इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक वेस्ट जो प्लास्टिक होता है वो मैंने यूज किया है। इसमें मैं मिट्टी को जो है धूप में सुखाती हूँ, फैलाती हूँ और काफी सारे कंपोस्ट वगैरह इसमें सुखाती हूँ। ओह
देखिए हमने इसे काफी ऊपर तक भर दिया है, बस इसमें इतनी जगह छोड़ेंगे कम से कम 1.5 से 2 इंच पानी डालने के लिए। और भी हम उसमें जो कंपोस्ट डालेंगे उसके लिए भी हमें थोड़ी जगह चाहिए और मिट्टी भी बाहर ना आए। देखिए इस तरह से दबाते जाएंगे ताकि कोई एयर पॉकेट ना रहे। देखिए ये मेरे घर की ही कंपोस्ट है, घर में बनाई हुई कंपोस्ट थोड़ी सी अलग होती है बाहर की कंपोस्ट से, तो हम इस तरह से इसे तोड़ कर डालेंगे। देखिए प्लांट हमारा तैयार हो गया है। वैसे जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं कोई किसी भी पॉट में ट्रांसफर करते हैं तो हमें इसमें ढेर सारा पानी डालना होता है। अभी जैसे कि मॉनसून सीजन है तो आप सभी जानते हैं ऑलरेडी जो जितने भी सॉइल है और जो कंपोस्ट है लीफ कंपोस्ट है वो सभी कुछ गीला है। ये देखिए कितना गीला है, इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, तो आज हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, हम इसमें पानी डालेंगे कल। अदरवाइज हमें इसमें बहुत सारा पानी डालना होता है जिससे कि अगर ये बिल्कुल सॉइल सूखी हुई है तो हम इतना पानी डालते हैं कि ये सारा पानी अच्छे से मिट्टी जो है गीली हो जाए। हम जो हमने आधा भरा हुआ था इतना भरने के बाद हमें इसमें पानी डालना होता, उसके बाद हम दोबारा जब ये प्लांट लगाते तो भी हमें पानी डालना होता। तो आज हम इसमें बस इतना ही करेंगे और इसको आज हम 4-5 दिन के लिए यहाँ टेरेस पे छोड़ देंगे। यहाँ पे सुबह हल्की धूप आती है बट बहुत तेज धूप नहीं आती है, 10-11 बजे तक हल्की धूप आती है। तो हल्की धूप हमारे पौधों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो देखिए किस तरह से आज हमने लगाया है अरेका पाम, इसकी अपडेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। किस तरह से इसे पॉट को भी थोड़ा सा सजाऊं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं। चलिए अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।